देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ महिला कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने मोर्चा खोला। केंद्र सरकार पर युवाओं को रोजगार के मामले में ठगने का आरोप लगाते हुए NSUI और महिला कांग्रेस ने दिन भर पकौड़े तलकर सरकार की नीतियों के विरुद्ध जमकर कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जयेंद्र रमोला एवं प्रदेश महासचिव राजपाल खरोला के नेतृत्व में NSUI व महिला कांग्रेस के सदस्य बड़ी संख्या में एकत्र होकर दून तिराहे पहुंचे, जहां दिन भर तरह तरह के पकौड़े तलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जयेंद्र रमोला ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार 4 वर्ष गुजर जाने के बावजूद रोजगार के मामले में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार के नाम पर युवाओं को पकौड़े तलने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि साफ दर्शाता है कि सरकार के पास युवाओं के रोजगार को लेकर कोई भी ठोस नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार बनकर रह गई है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश से संवाददाता अमित सूरी की रिपोर्ट। जैसा कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से बेरोजगारी हटाने का वादा किया था, रोजगार देने की बात करी थी, और आज बड़े शर्म की बात है, 4 साल बीत गए, रोजगार देना तो दूर, आज वो युवाओं को जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पकौड़े बेचने की सलाह देते हैं और तमाम पद जो खाली पड़े उनको भरने की बात नहीं करते। तो आज यहाँ NSUI और महिला कांग्रेस ने एकत्रित होकर एक पकौड़े का ठेला लगाया यहाँ पर, और बहुत सस्ते दामों में यहाँ पर पकौड़े बेचने का उन्होंने काम किया, और जो पैसा इससे एकत्रित होगा वो पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा जाएगा, ताकि उनको शर्म आए कि ये पढ़े लिखे लोग जो कि ग्रेजुएट हैं और डिग्री धारक हैं, ये लोग आज पकौड़े बेचने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार इस तरह से अभी 1 साल के अंदर अंदर इनको इसी तरह से व्यवहार करती रही तो ये आगे पता नहीं क्या स्थिति होगी। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।